मेरा लाइफ में आज पहला डिनर है जो मैं बीच पे बैठकर कर रहा हूँ यार। और अब हम पहुंच चुके हैं कोवलम में, और कोवलम की सड़कें कुछ ऐसी हैं यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, हिली एरियाज जैसी हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में। और आज के इस व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको कोवलम, तो व्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखना। केरला में होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, ड्राइव वेकेशन के लिए बेस्ट है। और जो मेरे रूम से व्यू है अरेबियन सी का, लिटरली अमेजिंग यार। एज़ यू कैन सी, वो सामने अरेबियन सी है, उसके पीछे लगून है, फिर मेरा होटल है। क्या मज़ेदार व्यू है यार, यहाँ से सारे पैसे इस व्यू के हैं। और गाइस अभी अभी हम पहुँचे हैं कोवलम के ताज होटल में, लंच करके आए हैं, और अभी हमें एक घंटा रेस्ट करनी है, और उसके बाद जा रहे हैं यहाँ पास ही में लाइट हाउस है वो देखने के लिए। और यहाँ केरला में यार होटल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, जैसे आपने कोची वाले व्लॉग में देखा होगा फोर्टे कोची होटल कितना अच्छा था यार, थिरुप्पल्ली में जो होटल में हम रहे वो कितना अच्छा था, मुन्नार वाला होटल कितना अच्छा था। केरला में होटल्स काफ़ी अच्छे हैं यार, लेकिन ये वाला होटल तो यार लिटरली अमेजिंग है। अरे क्या व्यू है यार, और वो बिल्कुल सामने है लाइट हाउस, वो देखने के लिए जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी से, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। और कोवलम की भी सड़कें काफ़ी स्मूथ है। आज हमारा केरला में आखिरी दिन है, पिछले 6 दिन कैसे निकल गए, कब निकल गए पता ही नहीं चला। इतना हमने इंजॉय किया केरला में, इतना फ़न किया, इतना मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था यार बोरिंग सा होगा, क्या वहाँ पे बीचेस हैं, पेड़ ही तो हैं, ग्रीनरी है, क्या होगा, लेकिन इतना मज़ा है यार यहाँ पे, क्या बताऊँ। यहाँ पर ड्राइव करके यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं, और यहाँ पे लोकेशंस इतनी अच्छी अच्छी हैं, क्या बोलूँ यार, बीचेस इतने अच्छे हैं केरला के, अनएक्सपेक्टेड था। इस बात का हमें डर था वही हुआ, ड्यू टू कोविड पिछले 1 साल से लाइट हाउस बंद था, लेकिन यहाँ पर जो हम ड्राइव करके आए हैं वो बहुत मज़ेदार थी। सड़क के पास ही बीच था, क्या अमेजिंग व्यू था। लाइट हाउस अंदर से नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ पर हमें मोर देखे, वो देखो सामने कितने सुंदर हैं, तो बोल सकते हैं कि लाइट हाउस पर आना वर्थ था। और गाइस अभी हम आए डिनर के लिए, और डिनर प्लेस देखो यार पीछे वो सारा अरेबियन सी है, वो है हमारा डिनर टेबल। और आज का डिनर केरला में सबसे बेस्ट डिनर होने वाला है, और वो अरेंज किया है सिनेमन एंड एग्जिबिट मैगजीन ने। और ये है हमारा डिनर टेबल। मेरा लाइफ में आज पहला डिनर है जो मैं बीच पे बैठकर कर रहा हूँ यार। गाइस अभी हम आए हैं अपना थोड़ा सा होटल घूमने के लिए, और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा है, फिर से बीच। और यार मुझे एक बार समझ नहीं आ रही वो बोट्स वहाँ पे क्या कर रही हैं, उस पर कोई भी नहीं है, एज यू कैन सी वो आप देख पा रहे हो कैमरा, वो ये वाला, ये है मेरा होटल रूम। और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है यार यहाँ पर ताज की। और आज मुझे निकलना था वापस अमृतसर के लिए, लेकिन केरला से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, अभी और भी काफ़ी लोकेशंस हैं जो रह गई हैं। और अगर लाइफ में मुझे दोबारा मौका मिला केरला जाने का,
तो मैं मिस नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है यार। और मैं आऊँगा भी ड्राइव हॉलीडेज़ पे, क्योंकि केरला में ड्राइव करने का मज़ा है आई थिंक कहीं और नहीं है। अभी हम आए हैं लंच करने के लिए, और यार यहाँ का जो खाना है ना बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे जो म्यूज़िक चल रहा है बहुत ही पीसफुल है, और हम यहाँ पर बैठ कर लंच करेंगे। क्या व्यू है, वो सामने अरेबियन सी है, वो नीचे लगून है, ये स्विमिंग पूल है, पानी पानी हो रहा है सब, क्या मज़ा आ रहा है यार। और अब टाइम है गाइस हमारा वापसी का, और चलिए आपको मैं अपना होटल रूम दिखाता हूँ। आई थिंक आज तक मैं जितने भी होटल्स में रहा हूँ उन सबसे अच्छा होटल रूम यही था, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा गाइस रूम? अच्छा है ना, और होटल उससे भी अच्छा। अभी टाइम है वापस अमृतसर जाने का, और गाइस केरला का एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत ही अच्छा रहा यार। अगर लाइफ में मुझे दोबारा मौका मिलता है केरला जाने का तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। और अगर आप भी कहीं प्लान बना रहे हो ड्राइव हॉलीडेज पे जाने का, तो केरला बेस्ट डेस्टिनेशन है यार आपके लिए, और लाइफ में एक बार केरला जरूर जाना यार। बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत अच्छे बीचेस हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ के होटल्स इतने अच्छे हैं, क्या बताऊँ यार। बाकी आपने पीछे व्लॉग्स में सारे देखा ही है। ऐसे ही नहीं, केरला को बोलते गॉड्स ओन कंट्री, और गाइस ड्राइव हॉलीडेज पे जाने के लिए केरला बेस्ट डेस्टिनेशन है। हम तो हो आए, आपका जाना बाकी है, तो जाइए केरला, घूमिए, इंजॉय कीजिए। और अब हम वापस आ चुके हैं अमृतसर। अगर केरला की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। मैं देखे आया केरला, वो सारा लवणी नी मौज पंजाब वर्गी।